वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल HST वर्ल्ड। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलें। उससे जो है आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है बताऊंगी कि अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं, साथ में ब्लैक आपकी स्किन रहती है, हर टाइम आपको जो है ऑयली स्किन जो है आपकी महसूस होती है, उसके लिए जो है छोटी सी बिल्कुल 20 रुपये में पाई जाने वाली चीज़ से जो है आप इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिया है विटामिन बी के कैप्सूल। ये इस तरह के कैप्सूल होते हैं, ये वाला कैप्सूल आप मार्केट से किसी भी केमिस्ट की शॉप से जो है मंगवा सकते हो। साथ में मैंने ले लिया है एलोवेरा का फेस वाश। एलोवेरा का फेस वाश इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर आपके पास एलोवेरा है तो उसका पल्प भी आप निकाल सकते हो। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसके अंदर से जो है पल्प आप निकाल के जो है इसकी अपने फेस पे मसाज कर सकते हो। क्या करना है आपको, पहले आपने लेना है थोड़ा सा जो है आपने अपने फेस को जो है थोड़ा सा गीला कर लेना है किसी पानी से, और हल्का सा आपने क्या करना है, इस तरह से जो है पानी अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद जो है आपने फेस वाश से जो है फेस वाश कर लेना है, फेस को जो है वॉश कर लेना है। और फेस वाश को आपने ऐसे, चाहे आप एलोवेरा लगा रहे हो या एलोवेरा का आप फेस वाश यूज़ कर रहे हो, उसको आपने अच्छी तरह से जो है अप्लाई अपने फेस पे कर लेना है। उससे जो है आपको थोड़ी देर की इससे जो है आपने मसाज करनी है अपने फेस की। इसको अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद जो है आपने अपने फेस के ऊपर इस एलोवेरा के जो भी आप, चाहे आप एलोवेरा नेचुरल एलोवेरा ले रहे हो या फेस वाश ले रहे हो, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई होने के बाद जो है आपको एक लुब्रिकेशन सी जो है अपने फेस पे महसूस होगी। कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट आप इसको अप्लाई करते रहो। उससे जो है आपके स्किन के अंदर जो भी आपकी स्किन के अंदर पिंपल हैं, छाइयां हैं, साथ में जो है आपकी स्किन ऑयली है, वो सारी समस्या जो है इससे ख़त्म हो जाएगी। इसको इस तरह से जो है आपने अप्लाई रेगुलर करते रहना है, हल्के हल्के हाथों से ही करना है। ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एलोवेरा के अंदर जो है नेचुरली ही ऑयल की तरह जाता है, तो वो क्या करता है फिर हमारे स्किन को लुब्रिकेशन नेचुरली कर देती है। तो आपने इस तरह से जो है अपने फेस के ऊपर इसको मसल लेना है। और साथ में आपने क्या करना है, इसके बाद जो है आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, जब भी आप इसको 5-7 मिनट अच्छी तरह से आपने जो है इसको रगड़ लेना है अपने फेस पे। उसके बाद जो है आपने फेस वॉश कर लेना, वॉश कर लिया है अच्छी तरह से जो है आपने फेस को वॉश करना है। उसके बाद जो है आपने अच्छी तरह से इसको ड्राई भी कर लेना है, फेस को आप ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद जो है अपना अच्छी तरह से जो है टॉवल से इसको ड्राई कर लेना है फेस को। आप देख सकते हो किस तरह से जो है मेरे फेस पे ये जो है ग्लो नेचुरली हो रहा है, जैसे कि मैंने बहुत इतनी देर तो मैंने जो है अप्लाई भी नहीं करा है इस फेस वॉश को, फिर भी जो है हमारे मेरे फेस के ऊपर देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा जो है शाइनिंग महसूस हो रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है विटामिन बी का जो ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल एक आपने निकाल लेना है। ये जो प्रोसीजर है आप रात के समय करें तो और भी बेस्ट है। रात को जो है आपने इस कैप्सूल के अंदर जो जेल होता है उसको जो है अच्छी तरह से आपने अपने हैंड पे जो है लगा लेना है, निकाल इस कैप्सूल को जो है आपने जो है निकाल लेना है। जैसे ऐसे इसके अंदर से जो है आपको इस तरह का जेल सा जो है दिखाई देगा, जेल जो है आपने निकाल लेना है। जेल को आपने अपने दोनों हाथों पे जो है अच्छी तरह से मसल के, थोड़ा सा गिले गिले ही हों आपके हैंड तो और भी बेस्ट है, फिर आपने उसको फेस पे अप्लाई कर देना है। जहाँ जहाँ भी आपने जो है इसको लगाना है, चाहे आपने नेक पे लगाना है, चाहे आपने फेस पे लगाना है, इस तरह से जो है इसको अप्लाई आप कर दीजिए। इसके बाद जो है आपने अप्लाई करके जो है कम से कम 10-15 मिनट के लिए जो है इसको लगा के
रखना है आपको। इसको लगाने के बाद जो है एक मतलब खिंचाव सा आपकी स्किन के ऊपर जो है आपको महसूस होगा, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने जो है नॉर्मली जैसे हम काम करते हैं वैसे आप कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के बाद जो है आप 10 मिनट के लिए जो है इसका अप्लाई करके छोड़ दीजिए जैसे, ठीक है। अच्छी तरह से जो है इसको लगा के जो है आपने छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से आपने जो है लगा के इसको छोड़ लेना है। और इसको लगाने के बाद जो है आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है ऑयली ऑयली सी स्किन जो है मेरी महसूस हो रही है। इसको लगा के छोड़ दीजिए। तो आपने 10 मिनट के बाद जैसे ही आपका जो है 10 मिनट अच्छी तरह से सूख जाता है, अगर आपका ये कैप्सूल का जो है आपने ऑयल लगा रखा है, तो उसको उसके बाद जो है आपने कॉटन ले लेनी है, या फिर आप जो है कॉटन को जो है अच्छी तरह पानी के अंदर डीप करके निचोड़ के उससे जो है आपने इस चीज़ को अपने फेस को साफ़ करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जो है आपने अपने फेस के ऊपर इसको लगा लेना, और जो भी गंद होगा जो भी हमारे फेस का ऑयल होगा वो सारा जो है कॉटन के अंदर आ जाएगा, सारा कॉटन जो है उसको अपनी तरफ चूस लेगी। उसको जो है फिर आपने अच्छी तरह से साफ़ करके जो है ऐसे ही अपने फेस को छोड़ देना है। कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना कोई क्रीम लगानी है, ना किसी तरह का कोई भी आपने नाइट क्रीम इसके अंदर अप्लाई करनी है। आपके फेस के ऊपर देख सकते हो आप किस तरह का निखार जो है आपको महसूस होगा। ये देखिए इस तरह का निखार जो है आपको अपने फेस के ऊपर महसूस होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।